इसे सागर मध्य प्रदेश से पुलकित कोष्ठी ने पूछा है। नकारात्मक भाव या नकारात्मक विचारों की पकड़ बड़ी गहरी महसूस होती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मन का स्वभाव ही नास्ती भाव है। गौतम बुद्ध कहते हैं एस धम्मो सनातनों में, जो ओशो का प्रवचन है लेकिन उनका मूल ग्रंथ का नाम है धम्म पद, उसका पहला ही वचन है, गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका करता न मान, आ जो नहीं मिला तो परेशान, मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य अहो। यह मन का स्वभाव है, जो उसके पास है उसका तो ख्याल ही नहीं रहता, जो पत्नी है अब उसमें सौंदर्य दिखाई नहीं देता, जो पति है अब उसमें कोई पुरुषार्थ या गुण दिखाई नहीं देता, पत्नी में रूप नहीं दिखाई देता, दुनिया भर की बाकी महिलाएं सुंदर दिखाई देती हैं, पत्नी में कोई गुण, पति में कोई गुण दिखाई नहीं देता, बाकी सारे लोग गुणी दिखाई देते हैं, ये मन का स्वभाव है। गौतम बुद्ध ठीक कहते हैं, और जब मन का स्वभाव ऐसा हो जाता है तो ये जो नहीं है उस पर न जो पास होता है, जो भी पास होता है तो उसमें जो नहीं है और जो अवगुण है वो तो दिखाई देता है, जो कमी है वो तो दिखाई देता है। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन का जो स्वभाव है ये कि जो है उसका करता न मान, जो है उसका तो सराहना करता नहीं, उसको रिकॉग्निशन देता नहीं, जो नहीं मिला तो परेशान, जो नहीं विद्यमान है बस उस पर उसकी नज़र है तो दुख तो आएगा, क्योंकि आपकी नज़र ही अभाव पर है, आपकी नज़र ही शिकायत भाव पर है। इसको आजकल साइकोलॉजी में टाइल मेंटालिटी कहते हैं, अर्थात एक फ्लोर पर टाइल बिछे हुए हैं तो सुंदर सुंदर टाइल लगा हुआ है या संगमरमर बिछा हुआ है, लेकिन एक जगह गड्ढा है, एक जगह एक टाइल नहीं है, तो जो भी जाएगा बस उस टाइल पर नज़र, वहाँ उस जगह को देखेगा जहाँ पर टाइल नहीं लगी है। तो इसको कहते हैं नास्ती भाव, इसको कहते हैं नकारात्मक भाव, नकारात्मक सोच। तो इसके कारण दुख भी होता है। और एक गजब की बात है कि आदमी जो है बहुत जल्दी दुख को पकड़ लेता है, सुख को नहीं पकड़ता, दुख को बड़ा जल्दी पकड़ लेता है। और अपना जो खालीपन है, जो रिक्तता है आदमी की ज़िंदगी में, अपने खालीपन को इसलिए दुख से भर लेता है। अपने खालीपन को भरने के दो तरीके हैं, क्या है, हम सुख से भी अपना खालीपन भर सकते हैं, दुख से भी अपना खालीपन हम भर सकते हैं, लेकिन आदमी जो है उसकी नियति है वो दुख ही सामान्यतः तो चुनता है, सुख चुनने की कोशिश नहीं करता। ये बड़ी गजब की बात है लेकिन ये सच है। और इस तरह क्यों वो भरने की क्यों कोशिश करता है, क्योंकि ये खालीपन, ये रिक्तता, ये बोरियत को जन्म देता है। आदमी अगर खाली है तो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, भले के लोग इतना जल्दी बोर नहीं होते थे, मैं अपनी पीढ़ी के लोगों को देखता हूँ या अपने अगले पीढ़ी, अपने हमारे बाद वाली पीढ़ी को भी देखता हूँ, लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है तो बच्चे भी आजकल कहते हैं कि बहुत बोर हो गया हूँ। तो ये हमारी पीढ़ी के लोग, जब हम लोग बच्चे थे तो ये बोर शब्द इतना नहीं था कि बोर हो गए, लेकिन अब तो लोग बहुत जल्दी बोर होने लगे हैं। तो ये खालीपन जो है ये बोरियत को जन्म देता है। और मैं कहता हूँ कि हमारे इस युग की 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी समस्या ही बोरियत है। मनुष्य ने बहुत मनोरंजन के टूल्स ईजाद किए हैं, कैसिनो बनाया, टीवी बनाया, अखबार बनाया, बहुत कुछ किया है, लेकिन जितना बहुत उससे भी लोग जल्दी बोर हो जाते हैं एकदम से। पहले मुझे याद है कि टीवी में सप्ताह में एक दिन पिक्चर आती थी, दूरदर्शन पर पूरा परिवार बैठ करके और पिक्चर का मजा लेता था। अब पिक्चर से भी बोर हो गए, अब टीवी पर हर समय कहीं लगाओ, कई चैनल्स बने हैं, लेकिन अब कौन टीवी देखता है, क्योंकि वो फिल्म कौन देखता है, अब फिल्म से भी लोग बोर हो गए हैं। तो ये जो है ये बोरियत एक बहुत बड़ी समस्या, इसका कारण खालीपन है। और खालीपन को हम सुख से नहीं भरना चाहते, खालीपन को हम दुख से भर लेना चाहते हैं, बल्कि करीब करीब कहा जा सकता है कि बिना दुख के आदमी जी ही नहीं सकता। यद्यपि सभी सुखी होना चाहते हैं, गजब की बात है, लेकिन बिना दुख के आदमी जी ही नहीं सकता। और अपने खालीपन को जाने अनजाने हम दुख एवं नकारात्मक विचारों से हम भर लेना चाहते हैं, और इसलिए हमारे मन में जो नास्ती भाव है, नकारात्मकता है, ये बहुत ज़्यादा है। एक कवि कहता है
पीड़ा जो न मिलती जीवन भर, यह जीवन पीड़ा जो न मिलती झोली भर, यह जीवन रीता रह जाता। अगर यह दुख हमको नहीं मिलता तो शायद यह ज़िंदगी रीता की रीता रह जाती, खाली ही रह जाती। तो अब आओ जानते हैं कि इन नकारात्मक विचारों एवं भावों से हमको मुक्ति कैसे प्राप्त हो, कैसे हम नकारात्मक भावों से मुक्त हों, इसके लिए 7 मुख्य उपायों पर हम चर्चा करेंगे। जो पहला उपाय है वो है अहोभाव, ग्रैटिट्यूड, है भाव, अस्ति भाव, अर्थात हमारे जीवन में जो है उसका ख्याल करो कि परमात्मा ने क्या नहीं दिया है। तो अगर है पर हमारी आदत पड़ जाए, जो है अगर उसका हम ख्याल करने लगे, तो आप देखोगे कि नकारात्मकता से, नकारात्मक विचारों से हम बहुत कुछ मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि को थोड़ा बदलना होगा। तो गौतम बुद्ध भी उसमें धम्मपद कहते हैं कि जैसे चक्का पीछे पीछे बैलों के चलता जाता है, वैसे ही हो यदि मन चंगा सुख की गंगा ले आता है। चंगा मन का मतलब अब जो है जो हमारे पास है उसका विचार करो, तो निश्चित रूप से ये नकारात्मक विचार विदा हो जाते। तो पहला क्या है, अहोभाव, है भाव, अस्ति भाव जिसको कहते हैं। जो दूसरा उपाय है इसी का थोड़ा आगे चलते हैं, इसको कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये जॉनसन ओटमैन की एक किताब ही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अर्थात जो परमात्मा की ओर से हमको मिला है, 2 आँखें मिली हैं हम इस सुंदर सृष्टि को देख सकते हैं, 2 कान मिले हम संगीत को सुन सकते हैं, हमको स्पर्श की क्षमता मिली स्पर्श का मजा ले सकते हैं, पैर मिले हम चल सकते हैं, जीवा मिली स्वाद ले सकते हैं, हमारे हाथ हैं हम काम कर सकते हैं। कितना कुछ परमात्मा दिया, कितना ऑक्सीजन और ये वायुमंडल का इतना विस्तार दिया, सोचो तो कितना इतना विराट वायुमंडल है, जहाँ नाक दो वहीं पर तुमको हवा मिल जा रही है। कितना विस्तार वायुमंडल का देखो, 21% ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, 79% करीब समझ लो। और इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है, 0.04%, इतना कम दिया है। ऑर्गन दिया है 0.9%, और अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ही 20% दे देता तो राम नाम सत्य है, हो जाता एकदम से। कितना सुंदर इंतज़ाम किया है, इतना नाइट्रोजन, इतना ऑक्सीजन दिया, और पेड़ पौधों का इतना इंतज़ाम किया है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने ही दे रहा, और हम है कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा ही किए चले जाते हैं, इतना उत्सर्जन करते हैं और इतना ज़्यादा ईंधन जलाते हैं कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो परमात्मा का इतना अच्छा इंतज़ाम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को 0.04% वो बढ़ने ही नहीं देता। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो तीसरा है वो प्रकृति से जुड़े, इतनी सुंदर प्रकृति है, नीला आकाश है, ये वृक्ष है, ये हरियाली है, ये नदी है, ये सागर है। तो प्रकृति से जुड़ते ही है भाव पैदा होने लगता है, और इसीलिए पर्यटन में इतनी लोगों को रुचि है, क्योंकि जिस जगह पर आप रहते हो उस जगह पर वो निगेटिव भाव ज़्यादा रहते हैं, जो नहीं है वो दिखाई देता है, लेकिन नई जगह जब आप जाते हो तो नई चीज़ देखने का मन में भाव आता, अच्छा यहाँ क्या क्या है, ये भी है, वो भी है, इतना पेड़ है सुंदर, तो इतनी हरियाली है सुंदर, इतना नज़ारा है सुंदर। तो प्रकृति में जब आप, इसलिए पर्यटन में जब आप टूर पर जाते हो तो वो है भाव आपको ज़्यादा घेर लेता है, इसलिए दुनिया भर में पर्यटन में इतनी ज़्यादा रुचि है। तो तीसरा जो है वो प्रकृति से जुड़े। जो चौथा उपाय है वो आत्मभाव, अर्थात साक्षी में रहें, क्योंकि आत्मा सदा आपके भीतर विद्यमान है। तो जैसे ही आप आत्मा का स्मरण करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर आत्मा है, तो आत्मा आत्मस्मरण में, अर्थात जब साक्षी में रहते हैं तो आप है भाव में रहते हैं, और जितनी देर आप साक्षी में रहते हैं, आत्मस्मरण रहते हैं, उतनी देर आप नकारात्मक भावों से दूर रहते हैं। पांचवा, नाद श्रवण में रहे, हमेशा परमात्मा का संगीत गूंज रहा है, नाद हमेशा निनादित हो रहा है, तो जब तक आप नाद पर ख्याल रखेंगे तब तक आपके भीतर ये नकारात्मक विचार पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का नाद हमेशा मौजूद है, परमात्मा का नाद हमेशा गूंज रहा है,
उस पर जब तक ख्याल है आप नकारात्मक भावों से सोच से मुक्त रहेंगे। जो छठा जो उपाय है वो है कि आप होश में रहें, होश में रहें। होश क्या है? परमात्मा के प्रति ख्याल होश है। और ये जो पूरा आकाश है ये इसकी चेतनता को जब आप जानते हो तो आप परमात्मा को जानते हो। और जब आपने जान लिया ये चेतन आकाश ही परमात्मा है और जब तक आप इस पर ध्यान दीजिएगा तब तक आपका है भाव बना रहेगा। परमात्मा विराट है, अनंत है, चारों तरफ उसका फैलाव है, इतना विराट फैलाव है कि जब तक परमात्मा के प्रति होश में आप रहेंगे, परमात्मा के ख्याल में रहेंगे, उसी को होश कहते हैं, तब तक आप निश्चित नकारात्मक भावों से मुक्त रहेंगे। और जो सातवां उपाय है सुमिरन में रहें, अर्थात सुमिरन का क्या मतलब हुआ कि करीब करीब हर सांस में, आती सांस में परमात्मा का ख्याल है, जाती सांस में आत्मा का ख्याल है, आती सांस में आप परमात्मा के प्रति प्रेम पूर्ण हो रहे हैं, जाती सांस में आत्मा होने के ख्याल में जी रहे हैं। अगर आप सांस सांस सुमिरन में जी रहे हैं तो नकारात्मक सोच से आप ग्रस्त नहीं हो सकते। तो अगर ये सात उपाय आप करते हैं तो निश्चित, वैसे तो कोई एक भी उपाय करें, सात में से कोई एक भी उपाय करें तब भी आप नकारात्मक सोच से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर सात में से जितना आपके लिए संभव हो सके तो सातों, नहीं तो एक, नहीं तो दो उपाय कर लो, नहीं तो तीन कर लो, नहीं तो मैं तो कहता हूँ कम से कम एक भी कोई कर लो, तभी भी नकारात्मक सोच से आप मुक्त हो सकते हो।